गुड मॉर्निंग दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं सानू सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल द रीडर में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे 31 जनवरी के करंट अफेयर्स के बारे में और उसके साथ साथ 31 जनवरी के इतिहास के बारे में भी। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर जिसका नाम है द रीडर। वहाँ पर भी आप द रीडर सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा। या आप हमें इंस्टाग्राम पर भी सर्च कर सकते हैं, जहाँ पर द इंस्टाग्राम द रीडर 21 सर्च करने पर आपको मिल जाएगा। या इन टेलीग्राम और इंस्टा के दोनों के लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे खराब ट्रैफिक सिस्टम किस शहर का है? पहले ऑप्शन से देख लेते हैं, ए लंदन, बी न्यूयॉर्क, सी बेंगलोर और डी बीजिंग। तो सही ऑप्शन है सी बेंगलोर। जो नीदरलैंड की एक कंपनी है जिसका नाम है टॉम टॉम, ये एक नेविगेशन कंपनी है टॉम टॉम नीदरलैंड की। तो इस कंपनी ने जो है दुनिया के सारे लगभग इसने 416 लगभग 400 प्लस जो 416 है 416 शहरों पे इसने एक सर्वे किया है। और उसके बाद इन्होंने एक सर्वे के बाद इन्होंने रिपोर्ट निकाला कि बेंगलोर जो है, इंडिया का बेंगलोर है, वो सबसे ज़्यादा यहाँ का ट्रैफिक सिस्टम सबसे ज़्यादा खराब है। यहाँ पे लगभग साल में जो है एक इंसान 10 दिन, लगभग 10 दिन सिर्फ ट्रैफिक जाम में फंस के निकाल देता है। तो इसलिए बंगलोर को जो सबसे खराब ट्रैफिक सिस्टम में रखा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस दक्षिण अमेरिकी देश को G77 की अध्यक्षता दी गई है? ए चिली, बी गुयाना, सी ब्राजील और डी मैक्सिको। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी गुयाना। एक्चुअली G77 है क्या? तो ये जो है डेवलपिंग कंट्री, मतलब जो कंपनी डेवलप कर रही है, अभी ये डेवलप्ड नहीं हुए, डेवलपिंग कंट्री है। तो उन डेवलपिंग कंट्री का 135 डेवलपिंग कंट्री का एक ग्रुप है और जिनका मेन मोटिव है कि अब एक दूसरे को सहयोग करना इकोनॉमिकली और बाकी दूसरे तरीके से सहयोग करना, ताकि ये जो है इकोनॉमिकली डेवलप कर पाए। तो उसका जो अभी अध्यक्षता जो दी गई है उससे गुआना को दी गई है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 15 जून 1964 को हुआ था, 1964 को हुआ था। इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेड क्वार्टर है, यूएसए में इसका हेड क्वार्टर है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम पर 20 करोड़ फॉलोवर वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं हमारा। ऑप्शन है ए डोनाल्ड ट्रंप, बी रोनाल्डो, सी नोवाक जोकोविक और डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन बी रोनाल्डो, जो है क्या है इंस्टाग्राम पे 20 करोड़ फॉलोवर वाले पहले व्यक्ति है। इससे पहले कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जिसके 20 करोड़ फॉलोवर हुए थे इंस्टाग्राम पे, रोनाल्डो पहले इंसान है। और रोनाल्डो क्या खेलते थे? ये फुटबॉलर है, एक फुटबॉल जो है ये खेलते हैं, फुटबॉलर है रोनाल्डो। और सबसे ज़्यादा बता दूँ कि रोनाल्डो जो है अगर जो फॉलोअर के हिसाब से देखें तो पहले नंबर पे खुद इंस्टाग्राम आता है, इंस्टाग्राम के खुद इसके प्लेटफॉर्म पे खुद ही सबसे ज़्यादा फॉलोअर है। दूसरे नंबर पे रोनाल्डो आते हैं और तीसरे नंबर पे एक सिंगर है एरियाना, एरी आना एक ये एक सिंगर है एरियाना। तो तीसरे नंबर पे एरियाना के सबसे ज़्यादा फॉलोअर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ए हरियाणा, बी राजस्थान, सी पंजाब और डी हिमाचल प्रदेश। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए हरियाणा। हरियाणा में जो है ये अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन किया जाएगा। और ये क्या है, ये एक से जो है 1 से 16 फरवरी तक, मतलब कल से ये स्टार्ट होगा और 16 फरवरी तक ये चलने वाला है ये मेला। 16 दिनों के लिए ये मेला आयोजित किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, राहुल बजाज किस कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का पद छोड़ने वाले हैं? एक्चुअली इनका टर्न खत्म होने वाला है, मतलब इनका टाइम ऑफ। ए बजाज, बी हीरो, सी होंडा और डी एयरटेल। शायद आपको नाम से पता चल गया होगा, इनका नाम में बजाज लगा हुआ और ये कंपनी इनकी कौन सी है, बजाज। तो ये जो है बजाज, राहुल बजाज जो है बजाज कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का पोस्ट छोड़ देंगे। मतलब इनका जो कार्यकाल है वो 31 मार्च तक था, इस साल के जो है 31 मार्च 2020 तक इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। तो इसके बाद ये पोस्ट को छोड़ देंगे और ये नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बन जाएंगे और डायरेक्टर होंगे बजाज कंपनी के। और लगभग ये 50 साल से, बहुत लंबा टाइम होता है, 50 ईयर से ये लगभग एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है बजाज के। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, रेलवे कब तक सारे कोचों को RFID टैग से
लेस कर देगा। एक्चुअली क्या है, आज पहले ऑप्शन देख लेते हैं, 2020, 2021, 2022, 2024, तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 2021। एक्चुअली क्या है कि रेलवे ने एक प्लान बनाया कि जितने भी इसके कोच है, जो भी जिसमें यात्री यात्रा करते हैं, जितने भी इसके वैगन है जिसमें सामान जाया जाता है, जो मालगाड़ी है, तो सबको जो है RFID टैक्स टैक्स जो है ये लेस कर देगा, ताकि इनको ट्रैक किया जा सके। मतलब कोच को भी इंडिविजुअली कोच को आप ट्रैक कर सकते हैं, और ये 2021 तक, मतलब अगले साल तक ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बढ़ते आगे। किस भारतीय खिलाड़ी ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है? ये एक एथलेटिक्स है, तो देख लेते हैं कौन कौन है। ए सुधा सिंह, बी सीमा पुनिया, सी शिवपाल सिंह, और डी नीरज चोपड़ा। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा क्या है, एक भाला फेंक खिलाड़ी है, ये एथलेटिक्स है, और भाला फेंक में ये प्लेयर है। तो इन्होंने जो है अभी अभी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, और ये ओलंपिक में जाएंगे, जो जापान में होने वाला जो ओलंपिक है इस साल, तो वहाँ पे जाएंगे। और इन्होंने लगभग जो है जो भाला फेंका है वो 87.86, मतलब 87.86 मीटर ये भाला इन्होंने फेंकर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। बढ़ते हैं आगे। बतौर कप्तान सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारतीय कौन है? ए महेंद्र सिंह धोनी, बी विराट कोहली, सी कपिल देव, और डी लाला अमरनाथ। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी विराट कोहली। इससे पहले कौन थे? इससे पहले महेंद्र सिंह धोनी थे, लेकिन अब विराट कोहली ने महेंद्र सिंह धोनी को पीछे करके खुद जो है सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारतीय कप्तान बन गए हैं। और ये तीनों फॉर्मेट को मिला के है, T20, टेस्ट और ODI, इन तीनों फॉर्मेट को मिला के सबसे ज़्यादा रन विराट कोहली के हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के वर्ल्ड लाइनर की तरफ। तो कोरोना वायरस को लेकर भारत, ये सॉरी भारत नहीं होना चाहिए यहाँ पे, एप्पल और ट्विटर ने जो है काम रोक दिया है चीन में, यहाँ पे चीन होगा। तो कोरोना वायरस को लेकर चीन में जो है एप्पल और ट्विटर ने अपना काम रोक दिया है फिलहाल, ताकि जब अभी देख रहे हैं कि कोरोना वायरस के कारण लगभग जो है 170+ लोगों की मृत्यु हो चुकी है वहाँ पे, कोरोना वायरस को लेकर जो वुहान शहर में इनका कोरोना वायरस फैला हुआ है उसको लेकर, तो वहाँ पे एप्पल और ट्विटर ने जो काम अपना रोक दिया है फिलहाल। और भारत से भी बहुत सारे जो फ्लाइट्स है, या जो बहुत, मतलब चाइना को इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा हिट किया है इस वायरस ने, और बहुत सारे देशों ने जो है चाइना के अपने यात्रियों को मना कर दिया है, अपने बिजनेस को रोक दिया है चाइना के साथ। उसके बाद ICICI बैंक ने ग्राहकों की सुविधा के लिए एक आई बॉक्स सुविधा शुरू की है। एक्चुअली ये सुविधा है क्या? तो आई बॉक्स क्या है कि जैसे बैंक से हमें कोई डॉक्यूमेंट भेजती है, लाइक जैसे बैंक हमें क्रेडिट कार्ड सेंड करती है, ATM सेंड करती है, हमारा चेकबुक सेंड करती है, तो कभी कभी क्या होता है जो वर्किंग पर्सन है वो अपने घर पे नहीं होते हैं, और वो उन सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाते, और उन्हें फिर प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो घर पर नहीं होते तो उन्हें डिलीवरी नहीं मिल पाती है अपने सामान की सही समय पर। तो इसके लिए बैंक ने क्या किया, आई बॉक्स सुविधा स्टार्ट किया कि बैंक जो है अपने बैंकों के बाहर एक बॉक्स लगाएगा, और उस बॉक्स में बहुत सारे बॉक्स होंगे, और उसमें बैंक जो क्या करेगा, किसी कस्टमर का सामान डाल देगा इसमें, और उस डाल को फिर बैंक जो है उसकी जो लोकेशन है, जो GPS लोकेशन है, उसका कोड है, मतलब उससे कैसे खोलना है, वो सारी चीज़ जो है ग्राहक के मोबाइल नंबर पर सेंड कर देगा, मोबाइल नंबर पर सेंड कर देगा कि हाँ आपका ये जो है यहाँ पर रखा हुआ है, और ये 7 डेज के लिए होगा। ये कब तक होगा, 7 डेज में अगर कस्टमर आके उस नहीं ले आता उस सामान को, तो वो फिर बैंक वापस रख लेगा अपने पास, या फिर जो है कस्टमर से वो बात करेगा। तो ICICI बैंक ने आई बॉक्स सुविधा उपलब्ध की है, तो ये याद रखें कि आई बॉक्स किसने स्टार्ट किया है, तो ICICI बैंक ने। चलिए बढ़ते हैं आज की हिस्ट्री की तरफ। आज के हिस्ट्री में 1599 में पहली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी भारत में, कब हुआ था, 1599 में, और इस कंपनी का स्थापना हुई थी, और इनका पहला जो कारखाना खोला गया था वो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को खोला गया था। उसके बाद अमेरिका में पहली बार 1893 में कोका कोला ट्रेडमार्क का पेटेंट किया गया था, मतलब कोका कोला का जो ट्रेडमार्क हम अभी देख रहे हैं उसका 1893 में ही पेटेंट हो गया था। मोर को जो है 1663 में भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था, और जो हमारे प्रथम भारतीय थे शहीद सोमनाथ शर्मा जी, उनका जन्म हुआ था आज ही के दिन 1923 में, और इन्हें जो है परमवीर चक्र मिला था। परमवीर चक्र उन्हीं लोगों को दिया जाता है जिन्होंने युद्ध के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा उनका योगदान होता है, उन्हीं से लिए परमवीर चक्र दिया जाता है। तो परमवीर चक्र पाने वाले पहले भारतीय थे सोमनाथ शर्मा जी। तो दोस्तों हमारा वीडियो आज यहीं पे कंप्लीट होता है, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।